हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। और मैं अपने इस चैनल में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को कवर करता रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्थेल्मोस्कोपी। आज हम समझेंगे कि ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसकी टेक्निक क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें लिखा है, इट इज़ अ मेथड बाई विच वी सी द डिटेल्स ऑफ द फंडस एंड डिटेक्ट ओपेसिटी इन द मीडिया। यानी कि ऑप्थेल्मोस्कोपी होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम फंडस देखते हैं। आँख के अंदर का जो मीडिया होता है, ओपेसिटी होती है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं कि जितने भी मीडियाज हैं उसमें ओपेसिटी है या नहीं है। मीडियाज अगर आपको नहीं पता तो मीडियाज बोलते हैं, जैसे कि लेंस हो गया, ठीक है, कॉर्निया हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, इन सबको हम डिटेक्ट करते हैं कि इसमें कोई ओपेसिटी है कि नहीं है। अगर इसमें ओपेसिटी होती है तो हमें ब्लैक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, अगर नहीं होती है तो हमें क्लियरली रेड रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जो कि फंडस से आता है। अब हम आगे समझते हैं कि ऑप्थेल्मोस्कोपी कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहला नंबर है डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, सेकंड नंबर पे है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और थर्ड नंबर पे है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो अब हम समझते हैं कि डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपने पहले ही मेरी कई सारी वीडियो अगर आपने देख रखी है, तो मैं काफ़ी पहले ऐसे ही वीडियो बनाया करता था, तो मैं हमेशा आपको पॉइंट में ही चीज़ें बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट में अगर बताओ तो वो जल्दी समझ में आ जाता है, बजाय एक पूरी डेफिनेशन बताने की। अगर उन उसको मैं पॉइंट में कवर करता हूँ तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले लिखा है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है, दिस प्रोसीजर शुड बी रूटीनली परफॉर्म बिफोर डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। यानी कि डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करने से पहले इसको रूटीन में जरूर लेना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। सेकेंड नंबर जो सेकेंड पॉइंट है इसमें लिखा है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट ओपेसिटी इन द मीडिया। यानी कि आँख के अंदर जो भी मीडिया होता है उसकी ओपेसिटी को डिटेक्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी परफॉर्म बाई अ डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप और अ प्लेन मिरर विद अ होल इन द सेंटर, प्लेन रेटिनोस्कोपी और इवन कॉनकेव रेटिनोस्कोप और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का है, यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने ये बताया है, मतलब सिंपल सा यास में ये लिखा है कि रेटिनोस्कोपी को जैसे यूज करते हैं वैसे ही ऑप्थेल्मोस्कोपी को यूज करते हैं, लेकिन उन दोनों के यूज करने के जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें भी प्लेन मिरर, उसमें भी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर दोनों में होता है, जिसको हम अपनी इंडेक्स फिंगर से हम उसको हैंडल करते हैं, स्विच करते हैं यानी, ठीक है। तो दोनों सिंपल ही है, मतलब दोनों सेम ही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। जैसे ये परफॉर्म करता है वैसे वो भी परफॉर्म करता है। इसमें भी प्लेन मिरर होता है जो कि एक छोटा सा होल होता है, वहाँ से लाइट पास थ्रू होती है जिससे हम देखते हैं। तो इसमें भी वैसे ही कुछ होता है। अगर आपने मेरी रेटिनोस्कोप वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वहाँ तक जा सकते हैं, नहीं तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, आप वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसकी जो टेक्निक होती है इसको करने की वो क्या होती है, कैसे होती है। थ्रो लाइट ऑन आई बॉल ऑफ पेशेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर इन अ डार्क रूम। इसको डार्क रूम कह लीजिए चाहे सेमी डार्क रूम कह लीजिए, दोनों में ये काम करेगा। एंड ऑब्जर्व द प्यूपिल, यानी कि सिंपल है, जो आई बॉल होती है उसमें हमें 20 to 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रह के उसमें लाइट पास थ्रू करनी है, ठीक है, और डार्क रूम या सेमी डार्क रूम में हमको ये ऑब्जर्व करना है, और प्यूपिल प्यूपिल में हमें देखना है, प्यूपिल अपीयर रेड इन कलर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें प्यूपिल की रेड रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, रेड कलर की देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे का जो ऑप्थेल्मोस्कोपी है उसका नाम है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इसका जो पहला पॉइंट है वो है, इट इज़ डन विद डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है इट इज़ डन विद डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप,
यानी कि ऑप्थल्मोस्कोपी और ऑप्थल्मोस्कोप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, कहीं भी ऑप्थल्मोस्कोप या ऑप्थल्मोस्कोपी बगैर सोचे समझे मत लिखना, क्योंकि ऑप्थल्मोस्कोप इज़ अ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑप्थल्मोस्कोपी इज़ अ प्रोसेस डन विद दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसमें सिंपल है, ऑप्थल्मोस्कोप अगर ये वाला स्कोप अगर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक। और ये जो ऑप्थल्मोस्कोपी लिखी हुई है, ये इस टेक्निक का नाम है कि किस तरीके से हम इसको, इसकी टेक्निक क्या है, किस तरीके से हम इसको करते हैं। मतलब कि ये जो ऑप्थल्मोस्कोपी है वो है क्रिया और ये है सब्जेक्ट, ठीक। सेकंड पॉइंट है इसमें, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ अ हैंडली सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ठीक है। ये बहुत ही हैंडली है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टू व्यू फंडस डिटेल, यानी कि फंडस में जो डिटेल्स हम देखते हैं, उसको देखने के लिए, उसको व्यू करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है। इट हैज़ टू पार्ट, हैंडल विद कंटेन रिचार्जेबल बैटरी और डिस्पोजल बैटरी एंड द ऑप्टिकल पार्ट कॉल्ड द हेड। यानी कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हैंडल होता है जहाँ पे रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसको डिस्पोजेबल बैटरी भी होती है, उसको हटा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, उसको फेंक भी सकते हैं, नई बैटरी भी उसमें लगा सकते हैं। और एक जो पार्ट होता है वो होता है हेड, यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट। अब हम इसकी टेक्निक समझते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम पेशेंट की जो प्यूपिल है उसको हम डायलेट कर देते हैं, ठीक है। उसमें डायलेटर डाल के उसकी आइज़ को हम डायलेट कर देते हैं, उसकी जो आई बॉल होती है उसको डायलेट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है, होल्ड द ऑप्थल्मोस्कोपी इन योर राइट हैंड एंड एग्जामिन द राइट आई, ठीक। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि समझने लायक है। उसमें इसमें ये समझ में आया है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट की अगर हमें राइट आई एग्ज़ामिन करनी है, तो हमें जो ऑब्ज़र्वर है, यानी कि हम अगर ऑप्थल्मोस्कोप कर रहे हैं, तो हम अपना ऑप्थल्मोस्कोप को हम अपने भी राइट आई में ही रखेंगे, समझे बात को। अगर पेशेंट के राइट आई को ऑब्ज़र्व करना है, तो हम अपने राइट आई में ही रखेंगे, मतलब राइट आई से ही ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। तो होल्ड द ऑप्थल्मोस्कोपी इन योर राइट हैंड एंड एग्जामिन द राइट आई, राइट हैंड से, राइट आई से, और पेशेंट की राइट आई को एग्जामिन करेंगे, स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अगला पॉइंट है, सी द रेड फंडल ग्लो, यानी कि जो फंडल ग्लो होता है, रेड फंडल ग्लो होता है, उसको हम देखेंगे। नाउ गो एज क्लोज टू द पेशेंट टास्क आई एज पॉसिबल एंड फोकस एनी पार्ट ऑफ रेटिना बाई मूविंग लेंस व्हील विद इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, यानी कि अपना जो राइट हैंड है उसके जो इंडेक्स फिंगर है उससे हम व्हील को मूव करेंगे, उसके लेंस को बदलेंगे, जो भी ऑप्थल्मोस्कोप में जो लेंस दिए होते हैं, अलग अलग लेंस होते हैं उसमें। अभी क्या है कि अभी मैं ये प्रैक्टिकली नहीं बता सकता हूँ, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता सकता हूँ कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू या अभी जो मैंने लिखा हुआ है इसके थ्रू, ठीक है। तो कभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये बताऊंगा कि किसी पेशेंट में हम ऑप्थल्मोस्कोप को कैसे प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, और उसका जो फंडल ग्लो होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि कैसा दिखता है वो। तो अभी आप ऐसे समझिए, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ एनी ऑफ द ब्लड वेसल्स टुवर्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू विल बी एबल टू रीच द ऑप्टिक डिस्क, यानी कि ऑप्टिक डिस्क में जो ब्लड वेसल्स हैं, वो जो जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ तक जाती है, उसको हम ट्रेस करते हैं, उस पॉइंट को हम देखते हैं। यू विल बी एबल टू रीच द ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क को हम समझते हैं, मतलब कि ये ऑप्थल्मोस्कोप जो होता है, जिससे हम ऑप्थल्मोस्कोपी करते हैं, इसका जो मेन गोल होता है, इसका जो मेन पर्पस होता है, वो यही होता है कि जो फंडस है, यानी कि जो रेटिना का जो पूरा पार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये फंडस है, ठीक है, और ये पेशेंट की कौन सी आई है, ये पेशेंट की मान लीजिए राइट आई है, तो जो ऑप्टिक डिस्क होगी, ठीक है, तो जो ऑप्टिक डिस्क होगी वो यहाँ होगी, ठीक, और जो फोविया होता है वो तो यहीं पे होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन जो ऑप्टिक डिस्क होगी वो यहाँ पे होगी, और ये जो दूसरी आई होती है उसकी जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो यहाँ होती है। ऐसे समझ लीजिए कि नेज़ल साइड में ऑप्टिक डिस्क होती है, जो
जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो नेज़ल साइड में होती है। यहाँ पे मान लीजिए ये नोज़ बनी हुई है, जैसा भी है, मेरी आर्ट थोड़ी सी ख़राब हो गई, नहीं तो पहले बहुत अच्छी थी। तो अब यहाँ पे ये जो ये पूरा फंडस है ये राइट आई का है, और ये जो फंडस है ये लेफ्ट आई का है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक डिस्क है और ये जो ऑप्टिक डिस्क है ये नेज़ल साइड में है। तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें कोई फंडस भी दिखा दिया है और उसमें जो ऑप्टिक डिस्क हमने देख लिया है तो हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि वो कौन सी आई है, राइट है कि लेफ्ट है। अगर वो राइट साइड में है तो वो राइट आई है, लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट आई है, मतलब कि ये नेज़ल साइड में ही होता है। समझ गए होंगे अब आप। तो अब हम आगे जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इफ़ यू आस्क द पेशेंट टू लुक स्ट्रेट अहेड ऑप्टिक डिस्क कम्स इन द फोकस, यानी कि पेशेंट से हम बोलते हैं कि एकदम स्ट्रेट अहेड, एकदम स्ट्रेट देखना है ताकि जो ऑप्टिक डिस्क है उसमें हम फोकस कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं जिसकी वजह से हम पूरी ऑप्थल्मोस्कोपी को डन कर पाते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है ए पेशेंट सी द लाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मैकुला कम्स इनटू द फोकस, यानी कि जब हम पेशेंट से बोलते हैं कि लाइट में फोकस करो, इंस्ट्रूमेंट की जो लाइट है उसमें फोकस करो, तो जो मैकुला होता है वो उस पर हम फोकस कर पाते हैं। ओके, अगला पॉइंट है कि अदर डिटेल ऑफ फंडस लाइक ब्लड वेसल्स एंड बैकग्राउंड आर आल्सो नोटेड, यानी कि इसमें सारी चीज़ें ब्लड वेसल्स हो गई हैं, बैकग्राउंड में जो भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, फंडस हो गया, मैकुला हो गया, ठीक है, और ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों की डिटेल्स हम नोट करते हैं। अगला पॉइंट है सिमिलरली लेफ्ट आई ऑफ पेशेंट इज़ एग्जामिन्ड विद योर लेफ्ट आई होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट इन योर लेफ्ट हैंड एंड स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट, यानी कि सिंपल है, जो भी हमने अभी यहाँ तक जो भी हमने प्रोसेस किया हुआ है वो राइट साइड का किया, मतलब राइट आई से हमने राइट साइड पेशेंट की राइट साइड का किया हुआ है। अब ये जो पॉइंट है ये भी ये लेफ्ट साइड के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ गया सिमिलरली, यानी कि हमें सेम चीज़ जो हमने उसमें हमने जो की हुई है हमें सेम चीज़ हमें लेफ्ट आई में करनी है, ठीक है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगला जो ऑप्थल्मोस्कोपी है वो है इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी। ओके, इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ डन विद इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी, यानी कि ऑप्थल्मोस्कोप, सॉरी, इसको हम इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप से डन करते हैं। अगला पॉइंट है दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू एग्जामिन पेरीफेरल डिटेल ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना की जो पेरीफेरल डिटेल है उसको हम इससे अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। पेरीफेरल का मतलब होता है किनारे का पार्ट, जैसे मान लीजिए ये रेटिना है तो रेटिना के जो किनारे का पार्ट होता है इसको हम अच्छे से हम डिटेल हम इसकी एग्जामिन हम अच्छे से कर सकते हैं, इसकी हम डिटेल अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी ओवर डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी आर। अब हम समझते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी के। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है इट गिवन बाइनोकुलर व्यू हैंस इन हैंस इज मच बेटर टू डिटेक्ट सेलो रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि इसमें जो इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी होती है इसमें सबसे बड़ा पॉइंट होते हैं कि इसमें हमको जो व्यूइंग एंगल होता है, मतलब कि बाइनाकुलर व्यूइंग व्यू मिलता है हमें, हम इसमें दोनों आंखों से देखते हैं। अगर आप इसके पहले जो ऑप्थल्मोस्कोपी है जो भी मैंने अभी आपको बताया है उसमें अगर आप देखेंगे, जैसे डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी हो गया, ठीक है, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी हो गया, तो ये जो जो भी है इसमें क्या था कि इसमें हम अपनी वन आई से देखते थे, ठीक। अब इसमें क्या है कि हम इसमें दोनों अपनी जो जो ऑब्जर्वर है वो अपनी दोनों आईज से इसमें देखता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, काफ़ी अच्छा उसको देखने को समझ में आता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है फील्ड ऑफ व्यू इन बिगर बट मैग्निफिकेशन इज़ लेस, यानी कि जो फील्ड ऑफ व्यू है मतलब कि देखने का जो व्यू है वो हमें काफ़ी बड़ा मिलता है लेकिन मैग्निफिकेशन वो हमें कम मिलता है इसमें, हम इसमें ज़्यादा मैग्निफाइंग नहीं कर सकते उसको, हम ज़्यादा जूम करके, मैग्निफाइंग मतलब होता है हम ज़्यादातर उसको जूम करके हम देख सकें, तो वो चीज़ हम इसमें थोड़ी नहीं कर पाते। मैग्नीफिकेशन डिपेंड अपॉन पावर ऑफ लेंस यूज, यानी कि मैग्नीफिकेशन डिपेंड है आपके जो ऑप्थल्मोस्कोपी जो आप यूज कर रहे हैं उसमें
जो भी लेंस की पावर लगी हुई है उस पर ये डिपेंड करता है। विद +20 डायप्टर लेंस 3x मैग्निफिकेशन इन अचीव, यानी कि सिंपल है इसमें, सिंपल ये है कि जो है जैसा लेंस होगा, जैसी उसकी लेंस की मैग्निफिकेशन पावर होगी वैसा हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा देखने को। अगला पॉइंट है, इट इज़ ईजियर टू कंपेयर द रेटिनल डिटेल्स ऑफ टू आईज, यानी कि इसमें हम दोनों आई के जो है जो रेटिनल डिटेल्स होती है वो हम काफ़ी इजी तरीके से हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें अपने दोनों आईज से एक साथ हम देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा व्यूइंग एंगल मिलता है, काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसमें डिटेल्स हम देख सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है, होल ऑफ द रेटिना कैन बी एग्जामिन्ड अप टू ओरा सेरेटा विच इज़ नॉट पॉसिबल विद डायरेक्ट ऑथेल्मोस्कोपी। देखो अब इसमें दोस्तों जो पीछे से आवाज़ आ रही है उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा, अभी मैं ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ आवाज़ आती रहती है तो उसको इग्नोर करिएगा, अभी फोकस करते हैं। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि चौथा पॉइंट में था हम, होल ऑफ द रेटिना कैन बी एग्जामिन्ड अप टू द ओरा सेरेटा विच इज़ नॉट पॉसिबल विच डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी, यानी कि देखो जो डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी है उससे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम ओरा सेरेटा तक हम एग्ज़ामिन कर लें, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी है इससे बहुत इजी तरीके से हम ओरा सेरेटा तक हम रेटिना को एग्ज़ामिन कर सकते हैं। अब हम जल्दी समझते हैं कि इसकी जो टेक्निक है वो क्या है। इसकी जो टेक्निक है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मेक द पेशेंट लाई डाउन कंफर्टेबली ऑन एग्जामिनेशन टेबल विद प्यूपिल फुल्ली डायलेटेड, यानी कि जो पेशेंट है उसकी आईज को, उसकी प्यूपिल को फुल्ली डायलेट करने के बाद उसको कंफर्टेबली मतलब उसको लिटा देते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। सेकंड पॉइंट है, होल्ड द कंडेंसिंग लेंस इन वन हैंड, एक जो कंडेंसिंग लेंस होता है, कंडेंसिंग लेंस उसको वन हैंड से होल्ड करते हैं ऐसे इस तरीके से, और एंड ओपन द आई विद अदर हैंड, जो आईज है पेशेंट की, जो आई है उसको अदर हैंड से ओपन करते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसमें ये बता रहा है कि थ्रू द लाइट ऑफ ऑप्थल्मोस्कोप ऑन आई बॉल फ्रॉम एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब ये है कि जो ऑप्थल्मोस्कोप होती है और जो आई बॉल होती है उसकी जो लेंथ है वो हमारे आर्म्स लेंथ होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा जितना बड़ा हमारा हाथ होता है उसकी लेंथ में होना चाहिए। अगला पॉइंट है, इंटरपोज द कंडेंसिंग लेंस क्लोज टू द आई ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो कंडेंसिंग लेंस होता है उसको हम धीरे धीरे करके हम क्लोज ले जाते हैं पेशेंट की आई में, ठीक है। मूव द लेंस अवे फ्रॉम आई बॉल स्लोली टिल द रेटिना कम्स इन टू व्यू, यानी कि हम उसको मूव करते हैं, जो कंडेंसिंग लेंस होता है उसको हम मूव करते हैं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली हम मूव करते हैं जहाँ पे, जब तक हमें रेटिना का जो व्यू होता है वो हमें ना मिल जाए। नाउ फोकस द व्यू एंड एग्जामिन इट, आस्क द पेशेंट टू मूव हिज आई राइट लेफ्ट अप एंड डाउन टू एग्जामिन द पेरीफेरी, यानी कि जो कंडेंसिंग लेंस होता है उसको फोकस करने के लिए हम आगे पीछे, ठीक है, अप एंड डाउन हम उसको जो है धीरे धीरे एग्जामिन करते हैं, यानी कि हम उसको सेट करते हैं, सेट करके हम पेरीफेरल तक, रेटिना के पेरीफेरल तक हम एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो थी, आज मैंने आपको बताया कि ऑप्थल्मोस्कोपी क्या होती है, ऑप्थल्मोस्कोप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इनका जो प्रोसीज़र होता है करने की, इसकी जो टेक्निक होती है करने की वो कैसे की जाती है। तो दोस्तों जो पीछे से आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।